आप देख रहे हैं जेटी न्यूज़, ऐसी की तैसी। क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि यूपी में करें लोग निवेश? लगातार क्यों हो रहा है यूपी के निवेशकों का विरोध और क्यों बता रहे हैं अखिलेश यादव ड्रामा? और साथ ही चर्चा करेंगे बनारस के संकट मोचन मंदिर में अखिलेश यादव दर्शन पूजन करने जाते हैं और दूसरी तरफ रामचरितमानस का अपने नेता से अपमान करवाते हैं। और तीसरी बड़ी खबर है भारतीय क्रिकेट टीम क्या तैयार है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारत में ही मैच खेला जा रहा है। ऐसे कई मुद्दों पे हम चर्चा करें। फिलहाल ये तीन मुख्य टॉपिक हैं जिसपे हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर जो है प्रोफेसर आर एस श्रीवास्तव जी, इनसे चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू से करने से पहले प्रोफेसर साहब, सबसे पहले जो बहुत ताज़ा मुद्दा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रधानमंत्री ने कहा यूपी बहुत सुरक्षित है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही हर्ष और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में तीन दिनों का जो ये अधिवेशन चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो आज से शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और अब कोई इसमें शक और शुभा की गुंजाइश नहीं रह गई है कि उत्तर प्रदेश अब सही मानों में कहा जाए तो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 27,000 करोड़ का निवेश, पुनीत जी आप क्या समझते हैं? इसमें से अगर हम समझते हैं कि 50% भी प्रोजेक्ट धरातल पर आ गए तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उत्तर प्रदेश में जॉब ढूंढेगा या उत्तर प्रदेश के बाहर से आएगा वो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज। और सबसे बड़ी चीज़ ये इसमें फैक्टर जो है आज जी, पहला मेरा यही प्रश्न है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से विपक्ष क्यों परेशान है? विपक्ष परेशान है क्योंकि विपक्ष ने 5 साल विपक्ष रहा, उससे पहले भी विपक्ष रहा, 10 वर्ष में यूपी का क्या हाल हुआ? हम जहां थे वहां गिरते गिरते रहते थे, लोग बीमारू स्टेट कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जब रात को ट्रेन घुसती है और जब आपकी ट्रेन में पता चलता है कि कोई आ गया, चाकू निकाल के कहता है भैया जो है तब दे दो, पता चलता है आप झांक के देखते हैं उत्तर प्रदेश में ट्रेन एंटर कर रही है, वो माहौल देखा है। आज के स्टेट में जब योगी जी कहते हैं ना माफिया का राज है ना गुंडों का राज है, बड़े बड़े गुंडे माफिया या तो छोड़ करके चले गए और भैया या तो भी भगवान को प्यारे हो गए। आज भी माहौल देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है, एक दिखावटीपन है, ये पूरी तरह से ड्रामेबाजी की जा रही है। 20 लाख करोड़ 27 लाख करोड़ ये चीज़ें जो बोली जा रही हैं ये सब दिखाने के लिए बोली जा रही, धरातल पे कहीं पहुंचेंगी नहीं। अखिलेश यादव साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। मेरा दो प्रश्न है इसी में। पहला ये प्रश्न है, क्या अखिलेश यादव जो विरोध कर रहे हैं उसमें तथ्य है, उसमें सच्चाई है? दूसरा ये है कि अखिलेश यादव क्या योगी का विरोध करते करते यूपी का विरोध कर रहे हैं, आप मानते हैं? देखिए, अखिलेश यादव अब विपक्ष में है, विपक्ष का तो काम ही है कमियां निकालना, खामियां निकालना। अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ परोसी जाए, क्योंकि विपक्ष को याद आ जाता है, विपक्ष को वो तो याद रहता नहीं कि जहाँ सफाई में महोत्सव होता था उसमें हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया व्यर्थ होता था, किसका किस काम आता था, आज तो वो खर्चा नहीं होता। आप देखिए, मुझे याद है किसी एक हमारे विपक्ष के बड़े नेता थे, उनकी बर्थडे में लंदन से बैंड आया था, घोड़ा गाड़ी आई थी, वो ज़माना भी हमने देखा है। और उस प्रदेश में क्या हाल था, माफियाओं का राज था, भू माफियाओं का राज था, गुंडे बदमाशों का राज था, मर्डर रेप डकैती अपनी चरम पे थी। अच्छा, ये जो 17,000 कंपनियों निवेश कर रही हैं, निवेश के मुद्दे पे आते हैं, कहा जा रहा 17,000 कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, उसके साथ साथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, ये धरातल पे उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि 20 लाख करोड़ मोदी जी का कहीं दिखा नहीं, ये जनता कह रही है। देखिए, जनता की और विपक्ष की अपने अपने धारणा होती है, उनका अपना अलग परसेप्शन होता है, जो धरातल पे होता है वही दिखाई पड़ता है। क्या आज आपको 5 एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की तैयारी में है,
उत्तर प्रदेश में वो भी 5, मोदी जी ने अभी अनाउंसमेंट किया। रानी को नहीं देते, चाइना को देते तो खुश रहते ना वो। ये आपने बड़े मुद्दे की और पते की बात कीजिए। एक हिंदुस्तानी कंपनी आगे बढ़े उसमें सबको तकलीफ होती है, क्योंकि वो बढ़ती कैसे है भाई? जो बढ़ेगा शेयर तो दूसरों का ही किसी का लेगा। जो पहले ये एनरॉन का इशू आपको याद नहीं होगा सर, एक बार एक कांग्रेस के शासनकाल में एक एनरॉन की पावर प्रोजेक्ट के आया था, जिसमें 2700 करोड़ रुपया पानी में चला गया था, और उसको भी उस कंपनी ने दावा ठोका था सरकार के ऊपर, और कंपनी ने को बचाने सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए एक पाकिस्तानी लॉयर को अपॉइंट किया गया था, शायद आपको याद नहीं होगा। अब ये आज की तारीख में जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अब हम बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त वातावरण है, उत्तर प्रदेश में विकास बिल्कुल अपने चरम पर है। बनारस में देखिए अब स्टीमर चल रहा है। कह तो रहे हैं कि जो जो इतने करोड़ आएंगे, 2-4-5 हज़ार करोड़ जो है बनारस को भी योगी जी दे दें। बिल्कुल देंगे सर, आप बनारस को तो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, 5-7 करोड़ तो वैसे ही बनारस में कितना खर्च हुआ है बनारस हिसाब पे आते हैं। प्रवक्ता हैं सपा के, वो कह रहे हैं कि 1.80-85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए किया गया। आप बताइए पर बच्चे 1 रुपये भी नहीं आ रहा है, तो ये कौन सी बहुत बड़ी खासियत है? ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, ऐसा है सर, ये आपकी जो धारणा है और ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये कौन से मद में कहाँ से उठाया उन्होंने मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है। आप बता रहे हैं तो हो सकता है कि मैं इसको देखूं। अच्छा, इसी संदर्भ में अखिलेश भ्रमित करने वाली बात, इसी संदर्भ में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निवेशकों को मिलेगा क्या 800 करोड़ या इतने लोग निवेश कर रहे हैं। घोटाला जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पहले घोटाला होता था बीमारू राज्य का, इतना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। दूसरा अखिलेश यादव कह रहे हैं मिलेगा क्या उनको, क्या एश्योरेंस देंगे उनको? पुनीत जी, निवेश कर रही हैं बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इस कंपनी में 360 विदेशी कंपनियां आई हैं, 16 देशों के इन्वेस्टमेंट आए हैं। ये सब बिजनेसमैन बहुत शार्प होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और जहां भी निवेश करता है बहुत सोच समझ के करता है। बिजनेसमैन 1 पैसा लगाता है तो 4 पैसे बनाता है, अगर सोचे समझे। नहीं, धरातल पे हम कहते हैं, धरातल पे आया है। तो कैसे आप भरोसा दिलाएंगे इन्वेस्टमेंट 3 दिन में होगा? नहीं, धीरे धीरे होगा। आप धीरे धीरे में उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप सुरक्षित हैं, आपको प्रॉफिट मिलेगा? आज कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? पुनीत जी, 2019 में जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसके प्रोजेक्ट अब धरातल पे आने शुरू हो गए हैं और लोगों को यूपी में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, उन्हीं के आदमी को ठेका मिलता है। अब हर जिले में प्रोजेक्ट जा रहा है। आप देखिए, हर जिले में इन्होंने रोड शो किए और हर जिले में MOU साइन हुए। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब लंबी हो जाएगी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिन चलेगी, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक इस समय चल रहा है, अखिलेश यादव जो है बनारस के संकट मोचन मंदिर गए हैं, दर्शन पूजन किए हैं। एक तरफ भगवान राम का रामचरितमानस की चौपाइयों का अपमान करवा रहे हैं, दूसरी तरफ दर्शन करने जा रहे हैं। क्या चरित्र है ये समझ में नहीं आ रहा। ये भैया चरित्र कुछ नहीं है। आपने रावण का मारीच देखा था और आपने बहुत सी भी चीज़ें देखी होंगी पिछले हुआ है। अब आदमी कोई भी ऑपोजिशन का लीडर है, कोई भी महान व्यक्तित्व है, जब जमीन खिसकती है, कल मोदी जी ने बहुत अच्छी लाइनें लोकसभा में 2 यूज़ करी थी, दोहराइए, हम कहेंगे दोहराइए, मैं चाहूँगा उसको दोहराना कि पैरों के नीचे जमीन नहीं दिखती, नहीं है फिर भी उनको यकीन नहीं है, पांव के नीचे जमीन नहीं है फिर भी उनको यकीन नहीं है। अब सर जमीन खिसक चुकी है, अब आप किसकी बात कर रहे हैं? हकीकत यह है कि वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, और तलाशेंगे कहाँ? कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके तलाशेंगे, लेकिन क्या लोग भूल जाएंगे कि 92 में राम जन्मभूमि का जब यह आंदोलन चल रहा था तो उनके पिताजी ने राम सेवकों पर गोलियां चलवाई थी? ये तो अकाट सत्य है, कोई भूल सकता है क्या? अब ये सब बातें हैं, इनको ये दोहराने से तो कोई, मैं नहीं समझता कोई फ़ायदा है, लेकिन वो ढूंढेंगे जमीन तो उस जमीन में ही ना।
इस मुद्दे पे जो है रामचरितमानस पे वो दर्शन करने के आपने बताया, टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा। तीसरा जो बड़ा विषय है कि वर्ल्ड कप की तैयारी, भारतीय टीम जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप है इसी तैयारी कर रही, लगातार टीम बदल रही है। और इस समय जो है शुभमन गिल जो लगातार सेंचुरी मारते हुए आ रहे थे, T20 टेस्ट हो चाहे वनडे हो, वनडे में तो उन्होंने डबल डबल सेंचुरी लगा दी, उनको बाहर कर दिया गया टेस्ट से। और टेस्ट से बाहर तो किया गया। दूसरा मेरा यही प्रश्न है कि भारत में ही खेल के हीरो बन रहा है, बाहर जाके जीरो हो जाता है। देखिए ये अब तथ्य आपका किसी हद तक सही है लेकिन पूरा सत्य नहीं है सर, अर्ध सत्य है। अब तो और अगर आप देखें भारत ने बाहर भी जाकर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है, गंवाया है वो नहीं, सीरीज जीतने की बात हम कर रहे हैं। इधर पिछले 1.5-2 दशकों से भारत की टीम में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। लेकिन हाँ ये जरूर है, जैसे आज की तारीख में हो रहा है ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, अलग अलग खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। हमारे पास इतनी ज़बरदस्त बेंच स्ट्रेंथ है आज की तारीख में कि आपके पास किसको निराश करें और किसको खुश करें, यही बीच में सामंजस्य बिठाने में टीम मैनेजमेंट लगा हुआ है। आखिर मेरा प्रश्न है कि राखी सावंत और उर्फी जावेद जैसे लोग जो लगातार सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और समाज सुधारक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लोगों को बताते हैं फैशन आइकॉन है, कोई कहता है राखी सावंत जो हैं रोल मॉडल हैं, ऐसे जो लोग हैं जो कि काफ़ी इनके व्यूअरशिप है, इतना तो हमारा व्यू नहीं आता जिनका इनका जितना आ जाता है, तो ऐसी जो चीज़ें समाज में लगातार बढ़ती जा रही हैं फैशन के नाम पे, अश्लीलता जो फैलाई जा रही है, इस पे क्या कहें? देखिए शेक्सपियर का एक ड्रामा है था मिडसमर्स नाइट ड्रीम, उसमें जो पात्र थी हीरोइन उसका भी कुछ इसी तरीके का कैरेक्टर था और चरित्र था। और आरोप लगा रही मेरे पति, हाय मेरा अब्दुल धोखा दे दिया। देखिए अब ऐसा है ना, आप सूट राखी सावंत कह रही थी सूट केस में पैक होने से बच गई। गालिब का एक शेर है, अगर आपने उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। इन्हीं लोग इनका यही हाल है, अपने चेहरे पे धूल हटाएं तब तो चेहरा सिर्फ साफ दिखाई पड़ेगा, आपके चेहरे पे धूल जमी हुई है आप कहते हैं आईना गंदा है। ये सब चीज़ें जो हमारा कार्यक्रम है आज हम इंट्रो में बताना भूल गए थे कि तैसी है, तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसी की तैसी कर रहे थे लगातार, चाहे अखिलेश यादव जो मुद्दा बना रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, चाहे उनका दर्शन करने का मुद्दा है, चाहे क्रिकेट टीम का मुद्दा है और चाहे लोकप्रिय राखी सावंत का मुद्दा है, हर मुद्दे पे हम ऐसी की तैसी कर रहे थे। और कार्यक्रम में इंट्रो जरूर लगा देना ऐसी की तैसी, ऐसे ही ऐसी की तैसी करते रहेंगे, बन रही है हमारे साथ रोजाना, आप जल्द आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ।